डिप्रेस्ड हो, थके हुए हो, हार के बैठे हो, पूरे दिन बिस्तर में पड़े रहते हो, केवल सोचते रहते हो ये कर लूँगा वो कर लूँगा, लेकिन जब करने में बैठते हो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता वो। और फिर ये लगता है कि इस चीज़ को अभी टाल दिया जाए या फिर ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, कोई और तरीका ढूंढा जाए। ये चीज़ होती है आपके साथ, बहुत सारे लोगों के साथ ये होती है, पर इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है आपको जो प्लेजर मिल रहा है वो प्लेजर किस चीज़ से मिल रहा है। आपने कभी इस चीज़ पे ध्यान दिया? कभी नहीं दिया। आप खुद से सोचिए कि जीवन में जो बनना है वो बनना है, सिंपल सा फॉर्मूला, बनना है भाई, मेरे को बनना है, उसके लिए मुझे ज़मीन आसमान एक करना पड़े, मैं करूँगा। तो फिर फालतू की चीज़ दिमाग में आती ही क्यों है? आपका मन नहीं कर रहा पढ़ाई में, आप टेंशन में हो, तो मन से क्या ही लेना देना, मन है मन है। ये आपका जो शरीर है, इसी शरीर के लिए तो आप काम कर रहे हो ना, इसी शरीर पे तो आपको वर्दी चाहिए, इसी शरीर पे वो आई कार्ड डालोगे, इसी शरीर के लिए आप पढ़ रहे हो कि मैं इसी शरीर को एक बढ़िया घर में रखना चाहता हूँ, एक बढ़िया ड्रेस पहनाना चाहता हूँ, एक बढ़िया गाड़ी में बैठाना चाहता हूँ, इस शरीर को ना, कि मन को। आपका मन कुछ भी कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, कहने दो उसको। करना तो आपको अपने हाथों से, अपने आंखों से है ना, अपने हाथों और अपने आंखों को अपने वश में कर नहीं सकते तो आप फिर क्या ही जंग जीतोगे? जो आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप खुद से बढ़ा रहे हो, आप उसको कम नहीं कर रहे हो। दुनिया में कोई भी स्पेशल बुक नहीं बनी है, कोई भी स्पेशल थ्योरी नहीं है, कोई भी स्पेशल स्ट्रेटेजी नहीं है गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालने की, नौकरी पाने की, अपने ड्रीम पूरे करने की, कोई स्पेसिफिक रीज़न है ही नहीं। इन्फ्लुएंस होना बहुत आसान है, कोई व्यक्ति कैसे किया है वो स्पेशल कंडीशन है, वो स्पेशल उसका तुक्का है, उसका उसका एम है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें वर्क करती है। एज इट इज़ सेम टू सेम कॉपी पेस्ट आप अपने शरीर पे, अपने जीवन पे नहीं कर सकते। आप यूनिक हैं, आपको मानना पड़ेगा, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। आपकी टेंशन, आपकी एंजाइटी का मुख्य कारण यही है कि आप वो बनना चाहते हो, आप वो जैसा वो है वैसा होना चाहते हो, वैसा मत हो। आप खुद से, खुद के ऊपर मेहनत करो बस, और लगातार करो। जब आपके दिमाग में, आपके सॉफ्टवेयर में, आपके मन के अंदर एक एम फिक्स हो जाएगा, एक टारगेट फिक्स हो जाएगा कि बस इस बार RPF SI बन के रहूँगा, इस बार SSC CPO का एग्ज़ाम निकालूँगा, इस बार CISF का एग्ज़ाम निकालूँगा, एक टारगेट। जब आपके मन में एक टारगेट फिक्स होगा, उस टारगेट के पीछे के विज़न आएंगे कि मैं टीचर बनूंगी तो मैं स्कूल में ऐसे पढ़ाऊंगी, मेरा समाज में ऐसे नाम होगा, मेरे माता पिता का ऐसे रिस्पेक्ट होगा, वो एक टारगेट। लेकिन वो एक टारगेट फिक्स ही तो नहीं होता, उस टारगेट को आप भुला देते हो और आप काम करने में ऐसे मशगूल हो जाते हो कि काम करने में, काम का मतलब है पढ़ाई, उस पढ़ाई को करने में आप ऐसे मशगूल होते हो कि कोई चीज़ आपको पेन देती है, कोई चीज़ आपको मज़ा देती है, कभी आपका पूरा दिन ही सजा में निकल जाता है, कभी आपके घर में कोई कुछ बात बोल दी जाती है, कभी आप किसी काम में संलग्न हो जाते हो पढ़ाई के अलावा, तो आपकी पढ़ाई ख़राब हो रही होती है। जब आप अपनी पढ़ाई से दूर होते हो तब आपको याद आता है कि यार पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है, ऐसे करना है, ये पढ़ूंगी, वो पढ़ूंगा, ऐसे करूंगा, ये वाला मॉक टेस्ट लगाऊंगा, पहले अपना सिलेबस पूरा करूंगा, सिलेबस ऐसे पूरा करूंगा, बहुत सारे गुणा भाग आपके दिमाग में होती रहती है। लेकिन जैसे ही आपको समय मिलता है, पढ़ने बैठते हो, तो फिर क्या होता है, टेंशन, डिप्रेशन, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, कैसे जल्दी से मेरा सिलेक्शन होगा। पर्दे के पीछे जो चल रहा है वो चलेगा, आप ही नहीं हो, आप ही नहीं हो जो YouTube देख रहे हो, आपने ही नहीं फॉर्म भरा हुआ है, आपको ही नहीं पता कि लूसेंट पढ़ना पड़ेगा, आपको ही नहीं पता कि मैथ लगाना पड़ेगा, आपको ही नहीं पता कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबको पता है, सबको पता है, और सब कर रहे हैं उस लड़ाई की तैयारी, सब कर रहे हैं जो आप कर रहे हो। लेकिन उन सब में भी एक चीज़ होती है कि अंदर से एफर्ट लगाना, अंदर से अपनी औकात लगाना, मतलब औकात से भी औकात लगा देना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग अगर 5 किलोमीटर की कैपेसिटी है दौड़ने की,
वो डेली 10 किलोमीटर दौड़ ले रहे हैं। कैसे दौड़ रहे हैं वो उनके ऊपर है, वो उनके अंदर कौन सी आत्मा आ रही है, कौन से भगवान उनको साथ दे रहे हैं, कौन सा शक्ति पाउडर वो यूज़ कर रहे हैं, वो उनके ऊपर है। और दैट्स इट, वही वाला एटीट्यूड, वही वाली पावर उसको सिलेक्शन तक पहुँचाती है। 5 किलोमीटर रनिंग है, 5 ही किलोमीटर दौड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं। इसी तरीके से एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस बस फिक्स लेके बैठे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं। नहीं भाई, औकात से ज़्यादा जब आप अपने फ्यूचर के प्रति एकदम सजग हो जाएंगे, एकदम प्रीफिक्स हो जाएंगे, आपको भगवान 4 घंटे दे रहा है, उस 4 घंटे को आप पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई को समर्पित कर रहे हो, तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। लेकिन उस 4 घंटे में भी आप दुनिया भर की बकैदी कर ले जा रहे हैं, दुनिया भर का टेंशन, डिप्रेशन, एनजाइटी, मैथ, रीजनिंग, ये कैसे करूँगा, वो वाली किताब नहीं है, ये वाला सिलेबस नहीं है, वो वाले टीचर ने इससे बोल दिया, इसने ये कर दिया। अगर इन सब चीज़ों में उस 4 घंटे में उलझे रहोगे तो फिर उस 4 घंटे का आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो कहाँ से होगा, कैसे होगा? आपके पास 8 घंटा है पूरा पूरा, आप उस 8 घंटे को पूरा लगा रहे हो, अपने भविष्य के प्रति समर्पित कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? अगर करते होते तो आपके अंदर ये सवाल ही नहीं आता। फेल होना कोई कोई बुरी बात है क्या? अरे एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाके फेल होने से अच्छा है कि अपने घर में फेल हो जाओ बार बार। उस एग्ज़ाम सेंटर तक जब जाओगे, जब ट्रेन के अंदर बैठोगे, जब हज़ारों की भीड़ में स्टेशन पे आप देखोगे, तब तो आपको मोटिवेशन आएगा कि यार काश 1 महीना और डिले हो जाता तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, मैं ये फाड़ देता, मैं वो फाड़ देता। जब आप उस एग्ज़ाम सेंटर पर बैठ के एग्ज़ाम दे रहे होगे, जब अगल बगल में देखोगे कि दुनिया आपसे बहुत तेज़ भाग रही है, तब आपको ये महसूस होता कि यार मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, तो वो चीज़ आज क्यों नहीं कर लेते, अभी से क्यों नहीं सोच लेते हैं? आप अपने अपनी ज़िंदगी को मोबाइल बैटरी की तरह क्यों समझ रहे हो कि जब ख़त्म हुआ चार्ज लगा लिया, 1 GB डाटा ख़त्म हुआ फिर से अगले दिन आ जाएगा? नहीं आएगा अगले दिन, जो है अभी है, इसी वक्त है, इसी टाइम है, फिक्स करो, ध्यान लगाओ, बैठो और फाड़ दो। किसी का इंतज़ार नहीं करना, किसी के भरोसे का इंतज़ार नहीं करना, किसी की बातों का इंतज़ार नहीं करना, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना, क्योंकि आप खुद एग्ज़ाम सेंटर में जाओगे, खुद से माउस से क्लिक करोगे, खुद से क्वेश्चन बनाओगे। कोई किताब नहीं ले जा सकते, कोई बड़े बड़े मास्टर का वीडियो लेक्चर नहीं ले जा सकते हैं, कोई उसकी लिखी हुई थ्योरी नहीं ले जा सकते। क्या जाएगा? केवल आप जाओगे, और आपको खुद से खुद को पढ़ाना है, खुद से खुद को तैयार करना है, तभी ना आप टीचर बनोगे, तभी ना आप सेकंड ग्रेड के टीचर बनोगे, तभी ना आप BPSC निकालोगे, तभी ना आप रेलवे में काम करोगे। खुद से मतलब खुद से। एक सिंगल बुक को 10 बार बनाना पड़े तो बनाएंगे, क्योंकि भाई मुझे रेलवे में नौकरी चाहिए, मुझे टीचर बनना है। तो जब बनना है तो क्यों, वाई क्यों आ रहा है? नहीं आना चाहिए क्यों? आपको दिन रात जब समय मिले, जैसा समय मिले, कोई टाइम टेबल नहीं, कोई कुछ नहीं, मिल रहा है मौका बस जुट जाओ। कोई अच्छे समय का इंतज़ार नहीं करना, कोई बढ़िया माहौल का इंतज़ार नहीं करना, किसी के आने का इंतज़ार नहीं करना, किसी के जाने का इंतज़ार नहीं करना, किसी बुक का इंतज़ार नहीं करना, मतलब जब मिले रगड़ दो और लगातार करो, लगातार। जब तक आप फिक्स नहीं होंगे ना, फिक्स एक दायरा नहीं बनाएंगे कि बस अब बहुत हुआ, यही है जो है, मेरा जीवन इसके अलावा बर्बाद है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, और आपको सोचने भर का भी टाइम नहीं होना चाहिए कि आप ये जो फालतू की चीज़ें सोचते हैं, ये सोचना भी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। आपके दिमाग में प्रतिदिन वही चीज़ चलनी चाहिए, क्या कि आप टीचर बन चुके हो, आप टेक्नीशियन बन चुके हो, आप लोको पायलट बन चुके हो, आप पुलिस वाला बन चुके हो, आप SI सर्विस इंस्पेक्टर बन चुके हो, बस यही चलना चाहिए। जब ये कंटिन्यू चलेगा तो आपका जीवन बदलेगा। बाकी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इसकी कोई दवाई नहीं है, ये आएगा। लोग आपके जीवन में आएंगे, आपको बुरा भला बोल के जाएंगे, आपको धोखा दे के जाएंगे, उनका काम है। जो जिसका काम है वो करेगा। आपका भी काम यही है, खाली टाइम
स्क्रॉल करना, यूट्यूब चलाना, फेसबुक चलाना, कार्टून्स देखना, गेम खेलना, बात करना, यही है आपका काम और आप कर भी रहे हो। अपने काम को भूल कर अपने रियल काम पे जब जाओगे, वो रियल काम क्या है, अपने भविष्य के लिए सोचना, अपने परिवार के लिए सोचना, अपने घर के लिए सोचना। आखिरकार आपको पढ़ाया क्यों गया, आप 10वीं तक क्यों पढ़े, नहीं पढ़ते, बिजनेस करते, दुकान पे काम करते, कंपनी में काम करते, क्यों, वाई, क्यों इस क्षेत्र में कूदे हो? मज़े लेने के लिए, पैसा उड़ाने के लिए, दिखाने के लिए? जब कूदे हो तो करो, साबित करो, अन्यथा इस चीज़ को छोड़ो। बहुत सारे काम हैं, ठीक, बहुत सारे काम हैं, लेकिन उस काम के साथ वो सपना नहीं पूरा होगा, वो सरकारी गाड़ी, वो सरकारी घर, वो सरकारी वर्दी, वो सरकारी आई कार्ड, वो सरकारी वाली फीलिंग, वो नहीं मिलेगा, ठीक। लेकिन अगर वो चाहिए तो करो, करो, बैठो मत, करो, मैं कह रहा हूँ करो। एक किताब, एक मैथ की बुक नहीं आ रहा है उसका सॉल्यूशन, देख देख के उसको 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, ऐसे वाइट बोर्ड ले आओ छोटा सा, 15 रुपये का इंक का डब्बा आता है, प्रतिदिन एक इंक का डब्बा भी ख़त्म करोगे तो महीने के 450 रुपये होते हैं, और प्रतिदिन एक इंक का डब्बा ख़त्म करने की औकात बनती नहीं है, बनानी पड़ती है। एक दिन करके देखना, प्रतिदिन एक पेन ख़त्म करके देखना, फालतू में ऐसे ऐसे नहीं करना है, लिखना, सवाल लगाना, थ्योरी लिखना, रीजनिंग बनाना, करंट अफेयर लिखना, लिख के ख़त्म करो, ख़त्म करो वो रफ वाली कॉपी, 20-20, 30-30 रुपए की आती है, ख़त्म करो 5 किलो कॉपी 15 दिन के अंदर, ख़त्म करो। ऐसे खाली बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस देख के नहीं होगा, यूट्यूब पे तो लोग आपको उकसाएंगे, अरे ऐसा है, अरे वैसा है, ले लो कोर्स, आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये कर सकते हो, हम आपको शॉर्टकट मेथड दिखाएंगे, हम आपको स्मार्ट वर्क कराएंगे। अरे कर लो स्मार्ट वर्क जितना करना है, अंत में वही जीतेगा जिसने गधे की तरह एकदम अथाह मेहनत करी है, मैं बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।